हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट्स ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, सपोज हमारे पास कि ये एक शीट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज होता है। क्या होता है? सरफेस चार्ज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, तो सरफेस चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। किसे नोट करते हैं? सिग्मा। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। क्या करते हैं? क्यू अपॉन ए। अब देखो, हमें क्यू निकालना होगा, तो इससे हम करते हैं सिग्मा ए, तो उसको हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसमें पूरे सरफेस में चार्ज होगा। इनफिनाइट शीट के बारे में करेंगे। सपोज हमारे पास सिलेंड्रिकल, हमने एक ये पॉइंट लगा दिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मूव करेगा दो फेस के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से और इस फेस से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को करवाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि प्लस चार्ज से कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने दो फेस दिखा दिए। जो परपेंडिकुलर फेस होगा वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ ये वाला फेस हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो वहीं पता है फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ शीट क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ एंड ऑफ द फेसेस, क्योंकि फ्लक्स इसके बाहर निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ एंड फेसेस, एंड फेसेस, ठीक है, फेसेस। तो देखो जगह ई इंटू टू ए, एक एरिया इसका होगा और एक एरिया इसका होगा, समझ में आ गया। ई इंटू एरिया ऑफ एंड फेसेस, एक एंड फेस ही, एक एंड फेस, इस फेस से एक निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम जो टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, क्यू ई एप्सिलॉन नॉट, और हमने क्यू की वैल्यू निकाली सिग्मा ए, तो जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे ना आपस में, तो ई इंटू टू ए सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल टू सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट शीट। तो ये आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।